अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो किस चीज़ पर और किस टॉपिक पर है वो मैं आपको बता दूं। नॉर्थ कराची के अंदर बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है, जिसका काफ़ी शोर मच रहा था कि यार नॉर्थ कराची में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा दी जाती थी डिफेंस में या जौहर में, और नॉर्थ कराची में हो रहा है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस पर एक व्लॉग बनाया जाए और इसको विज़िट किया जाए जाके, क्योंकि अक्सर लोगों को प्रॉब्लम्स रहती थी हमारे नॉर्थ के अंदर कि इस तरह की चीज़ें जो है, मतलब फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड नहीं की जाती थी। तो नॉर्थ कराची में देखते हैं आगे चल। और जी हम अशर के पास आ चुके हैं, तो आगे बूट कैंप के बारे में अशर से ही बात करें। अशर जावेद, यस। अच्छा जी, तो हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ बताएं बूट कैंप के बारे में। ऑलराइट, तो ये 45 डेज का जो है वो फैट लॉस प्रोग्राम है, जो कि उन लोगों के लिए है जो कि वेट लिफ्टिंग और बॉडी ट्रेनिंग और डंबल ट्रेनिंग से जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और नहीं चाहते हैं ये सारे वर्कआउट्स करना। तो उन लोगों के लिए बहुत स्मूथ सा एक वर्कआउट प्लान हम लेके आए हैं, जो कि नाजमाबाद में जौहर की तरफ होता रहा है हमेशा से। नॉर्थ कराची के अंदर इसकी इनिशिएटिव नहीं ली थी किसी ने, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया है एट एलसीबी। ठीक है, और ये कितने दिन का चैलेंज है प्लीज़ ये भी आप बता। अभी जो है वो हमारे 45 डेज का जो 3 डेज का है वो फ्री सेशन चल रहा है 3 डेज का। ठीक है, जो कि कल एंड हो जाएगा। और इसके अंदर मेल फीमेल बोथ, मेल फीमेल दोनों है, ये सेपरेशन है यहाँ से। इस तरफ जो है वो फीमेल होती है और फीमेल ट्रेनर भी होती है। ये एरिया आप देख रहे हैं ये फीमेल्स का है, जिसके अंदर फीमेल ट्रेनर होती है, और ये एरिया जो है वो मेल्स का है और मेल ट्रेनर भी होता है और मैं भी होता हूँ ऑब्वियसली, तो मैं लीड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और कुछ खास बात, खास बात यह है कि हमारे यहाँ पे 5 to 8 kgs इन जस्ट 45 डेज हम लूज करवाते हैं। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम लोग जो वर्कआउट पैटर्न चला रहे होते हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे नॉर्थ में आई पैट के कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग, आपको पता है कि हमारे नॉर्थ के अंदर ही बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं कि वो अपने वेट से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो इतना दूर नहीं जा सकते और वहाँ के जो चार्जेस हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। Obviously, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि 45 डेज है, चार्जेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, हर जगह के ज़्यादा होते हैं, ट्रेनर की एफर्ट भी होती है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और दूसरा उस प्लेस का भी बात होती है सारी ना, तो इस वजह से जो है वो चार्जेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग नॉर्थ में इसीलिए आए हैं कि यहाँ के लोगों को जो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही होती, और जो वहाँ नहीं जा पा रहे होते, जो सोच रहे होते हैं यार हमारे इलाके में कोई ऐसा सेशन स्टार्ट हो जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसके चार्जेस भी बहुत लो हैं, बहुत कम हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो और 45 डेज़ का प्लान भी है, मंथली प्लान भी नहीं है। तो ये है, आप में से कौन कौन डायबिटिक पेशेंट है? तो हमें जो है वो बनाना को नहीं खाना, ठीक है? हम दोनों को बनाना को नहीं खाना, ठीक है? बताया ना कि मैं बनाना नहीं खाता। ऑलराइट, तो हमें अल्टरनेट करना है। यस, रीड इन, रीड आउट, पोस्चर स्ट्रेट, कोई भी झुकेगा नहीं, ठीक है? रेडी है? रेडी नहीं हो क्या यार? रेडी है? जोर से बोला करो, बोलो। यस, रेडी, यस। हमें क्या करना है, हाई नीज करने वाले हैं, ठीक है? हाई नीज, ठीक है? नीज को आप उठाएंगे, जैसे हम ड्रॉप करते हैं ऐसे करते हैं, नीज को ऊपर उठाना है, ठीक है? लाइक से बोलो ना, क्या लिख के दो, स्टार्ट करो। नहीं ना, आप क्या करेंगे, लाइक दिस, 1 2 लेग रेज, लेग रेज, साइड वॉक, उसके ऊपर बैक पे आए अपने, लेग रेज, लेग रेज, 30 सेकेंड वर्कआउट नहीं कर सकते क्या हम? ऑलराइट, 4 3 2 योगा मैट पे लात मार दिए, 7 8 9 रन रख के दिया। हमें क्या करना है, साइड वॉक करना है, साइड वॉक, राइट साइड वॉक, कहाँ तक? अपने दूसरे वाले योगा मैट तक, ठीक है? दूसरे वाले, अब Oh,
अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? समीर खान। ठीक है जी। अच्छा, आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके अभी तक तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आपको पता है नॉर्थ कराची के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है? हाँ, इससे पहले आपको पता था डिफेंस में और जौहर में ऐसी फैसिलिटीज़? तो आप वहाँ जाते रहे हैं? मैंने एक सेशन ज्वाइन करा है तकरीबन सर सैयद हॉकी ग्राउंड का पहले किया था, लेकिन उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया था, फिर उसी वजह से वो डिस्चार्ज पे लगा। ठीक है। अच्छा, आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपके एरिया के अंदर जो है ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आई है, तो आप इसको अवेल करें और ट्राई करें। थैंक यू। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसीब अहमद है। ठीक है जी। हसीब, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं शर्मा के पास काफ़ी टाइम हो गया, पहले मैं जिम में जाता था केओ एक्सट्रीम, अब यहाँ 45 डेज में आया हूँ इनके पास। ठीक है। आपको पता है ये फैसिलिटीज़ पहली दफ़ा नॉर्थ कराची के अंदर प्रोवाइड की गई है, तो इससे पहले आपको पता है डिफेंस और जौहर में ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ के? एक्सपीरियंस मेरा तो आज वैसे सेकंड डे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 45 डेज में कुछ फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा जी, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आएँ, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर और बहुत अच्छा शर भाई, तो जान जो जानते हैं वो खुद आ रहे हैं शर भाई के पास। शर भाई बिल्कुल बेस्ट। जाते जाते अलिया शर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।